सरकार का वित्तीय वर्ष 18-19 का बजट ऐतिहासिक बजट है, जिसमें पीडब्ल्यूडी पेयजल कृषि को आधार बनाकर बजट का प्रावधान किया गया है। मैं सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि वित्तीय वर्ष 18-19 के बजट में इस टिहरी विधानसभा के विकास को प्राथमिकता तय करते हुए यहाँ चार चांद लगाने का काम किया गया है। हमारी सरकार ने 13 डिस्ट्रिक्ट 13 न्यू डेस्टिनेशन का जो संकल्प लिया, उसमें टिहरी को एक नई डेस्टिनेशन के रूप में स्वीकार किया गया। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। टिहरी में गंगा संग्रहालय के लिए बजट का प्रावधान कर दिया गया है। इतना ही नहीं, उत्तराखंड की सरकार के रिकॉर्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल सबसे ज़्यादा पेयजल से संकटग्रस्त जिला है। 4,451 असेवित बस्तियाँ आज भी आंशिक रूप से पेयजल के संकट से जूझ रही हैं। इसलिए मैंने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश के वित्त मंत्री जी को बजट सत्र में उनसे आग्रह किया है कि मेरे क्षेत्र में चंबा एक ऐसा शहर है जहां आज भी जो है पेयजल का संकट है। 3 दिन में 1 घंटे के लिए 1 दिन पानी आता है। ये सरकार का उत्तराखंड का सबसे संकटग्रस्त हमारा कस्बा है। और मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय पेयजल मंत्री जी को कि मेरे विधानसभा में पूछे गए प्रश्न के क्रम में और सरकार के द्वारा दिए गए जवाब के क्रम में आज चंबा पंपिंग योजना के पुनर्गठन के आदेश हो गए हैं। मैं चंबा के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ।